कैसे हो आप सभी बच्चों? नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जैसा कि आप हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल के पढ़ने के क्रम में या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके, पार्ट्स को हम देख चुके थे। अगर आपने कल की क्लास देखी, कल की क्लास में मैंने आपको महाजनपदास के बारे में, महाजनपदास कितने, मैंने आपको ये बताया था कि जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य जो कि बौद्ध साहित्य साहित्य है, उसमें कुछ महाजनपदास के बारे में अलग से डिस्कशन किया है। मेनली महाजनपदास मानते हैं, महाजनपदास मानते हैं 16 महाजनपदास में जो सबसे मेन महाजनपदा है आपका, वो आपका मगध हो गया है। यानी मगध जो सबसे पहले था, मगध पहले अंग राज्य को जीतता है, फिर अवंती को, कौशल को, ऐसे बहुत सारे राज्यों को जीतकर मगध एक आप संपूर्ण राष्ट्र बन जाता है, संपूर्ण राज्य बन जाता है, संपूर्ण जन बन जाता है। एक बड़े लेवल पर अपना विस्तार करता है मगध। और मगध सभी राज्यों में जो सबसे पावरफुल था, मगध था। मगध के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने हर एक वंश, शुनाक वंश, नंद वंश के बारे में हल्का हल्का डिस्कशन किया था, लेकिन वो आपका शायद काम का नहीं था, क्योंकि मगध के बारे में सेपरेट वीडियो चाहिए होगी। मगध के बारे में सब कुछ बताएगा कि कौन पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गया, अपनी राजधानी था, कौन वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर गया, वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आज की जो क्लास होने वाली है, आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैन और बौद्ध धर्म से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो गया, कोई बनडे आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ से जीएस का पोर्शन आता है, तो वहाँ जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से 101% एक या दो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। इस सेक्शन को शुरू करेंगे। फिलहाल तो मैंने वही बात, फिर से हमारे सामने कैमरा, एक लैपटॉप, थिंग एल्स, क्योंकि हमारे सामने और कुछ नहीं है। हम हैं और ये हमारा कैमरा है, मैं और मेरा प्यार कैमरा। जैसा कि आपको मैं हर हर क्लास में ही बोलता हूँ, मैं तो आप लोग चैट पर होते हो तो आप लोग हमारा प्यार होते हो, अभी तो कैमरा ही मेरा प्यार है। मैं कैमरा और पेन, साथ में हमारा बोर्ड। चलो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जैन धर्म के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे वो समझेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में। पहले तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि जैन एवं बौद्ध धर्म क्या है। सीरियसली अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन एवं बौद्ध धर्म क्या है, या कभी भी कोई नॉर्मली किसी से पूछता है कि जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, तो आप लोग कई बार आपको प्रॉब्लम। जैन एवं बौद्ध धर्म एक सेपरेट टाइप का धर्म तो है, लेकिन अगर उसका उद्भव हम देखें, उसका वैदिक काल में जो धर्म चल रहे थे उससे ही उसका उद्भव हुआ है। ब्राह्मण धर्म था, और जो ब्राह्मण धर्म से ही इन धर्मों का उद्भव हुआ है। कि अगर हम बात करें कि जो चाहे बौद्ध हो गए या जैन हो गए, चाहे महावीर स्वामी हो गए, या मैं बात करूं गौतम बुद्ध हो गए, एक क्षत्रिय कुल के थे, चाक्य क्षत्रिय कुल के थे, ये एक खुद एक क्षत्रिय थे। तो अगर मैं बात करूं कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, उसके उद्भव का क्या कारण है, इसके उद्भव का कारण तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले समझना आपको ये होगा वास्तव में जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है। जैन धर्म एक तरीके से ब्राह्मण धर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में इन उत्तर भारत में कई धर्मों का उदय हुआ। सिर्फ ये धर्म नहीं था, इसके साथ में 62-63 और धर्म थे, लेकिन प्रसिद्ध सबसे यही हुए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस थे। और ये फेमस क्यों थे, ये फेमस होने के पीछे का क्या कारण था, क्यों क्यों ये फेमस थे, कि इन्होंने जो उस समय के कर्मकांड चले आ रहे थे, कर्मकांडों को दूर करने का, इन्होंने उस समय की जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। ये प्रसिद्ध होने के पीछे का कारण क्या है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा, कि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये फेमस क्यों हुए, ये प्रसिद्ध क्यों हुए, इसके पीछे का क्या रीजन है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप क्या ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में ये धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे उत्तर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है। इंडिया के साथ साथ इनका विस्तार अदर कंट्रीज, चाइना में हम चले जाएं, अगर तिब्बत में चले जाएं, वहाँ हमें धर्म देखने को मिलते हैं। 6ठी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कई धर्मों का उदय हुआ। तो कई धर्मों की बात अगर हम करते हैं तो कई धर्मों का सेंस क्या निकलता है, कई धर्मों का मतलब क्या होता है, तो कई धर्मों का सीधा सा मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं कई धर्मों की, तो करीब 62 से 63। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ था, जैनिज्म एवं बुद्धिज्म हुआ था। जैनिज्म बुद्धिज्म हुआ था वो फिलहाल हम समझेंगे, और उसके पीछे हम क्या तर्क है उन्हीं को, क्यों ये धर्म इतना फेमस हुए, चाहे जैन धर्म हो गया चाहे बौद्ध धर्म हो गया, ये दोनों धर्म फेमस हुए। फिलहाल के लिए क्लास में मजा के सामने नहीं, क्लास तो ले। उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या था, उत्पत्ति के पीछे का अगर मैं पहला कारण देखूं, हिंसा था, हिंसा मतलब वायलेंस था।
उत्पत्ति के पीछे का जो सबसे पहला और मेन रीजन रहा है बच्चा, वो वायलेंस रहा है, हिंसा रहा है। हिंसा क्यों रहा, वायलेंस क्यों रहा है? अगर हम बात करूं उत्पत्ति के पीछे का सबसे जो मेन रीजन है वायलेंस रहा है, वायलेंस क्यों रहा है? अगर आप उस समय देखो, उस समय हिंसा बहुत बढ़ी। जैसे ही हम लोग वैदिक पीरियड से महाजनपदाज में आते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो धर्म है समय धर्म, और जैसे ही हम वैदिक पीरियड से महाजनपदाज की तरफ आते हैं, आप हिंसा बहुत ज़्यादा देखते। हिंसा का मतलब क्या है कि व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, आपस में लोग आपस में फाइट हो रही है, हिंसा हो रहा है। हिंसा का मतलब क्या है कि हिंसा का मतलब है बलि दी जा रही है, युद्ध हो रहे हैं, बलि दी जा रही है, युद्ध हो रहे हैं, हम कर्मकांड कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? हम कर्मकांड कर रहे हैं, और जब हम कर्मकांड कर रहे हैं तो इनमें क्या कर रहे हैं, बलियां दे, लोग युद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सिर्फ उस समय वैदिक धर्म था, और वैदिक मतलब था, ये धर्म था, उसके बाद कोई दूसरा धर्म नहीं था। तो इन सब धर्मों में इन मान्यताओं को आगे बढ़ाया जाता था, गायें थी, साथ अच्छा बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, जात व्यवस्था थी। यहाँ क्या थी, आपने पढ़ा होगा, अच्छा, जात व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का सेंस होता यहाँ कि सबसे ऊपर कौन था, फिर आफ्टर दैट दूसरे नंबर पर क्षत्रिय थे, आफ्टर दैट वैश्य थे, उसके बाद शूद्र क्या थे, ये सारे लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब ये सभी लोग थे तो वैश्य और शूद्र के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, वैश्य और शूद्र के डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव किया जाता था, जिससे इन जाति में क्या होगा, इन जाति में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, और जैसे ही दूसरा कोई भी धर्म आएगा ये उसकी तरफ। बात क्लियर, बात क्लियर, ऐसा हो गया। दूसरा भाई वर्ण व्यवस्था जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वो हो गया। उसके बाद कृषि का विकास, देखो जब कृषि का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, कृषि के विकास के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरत, जब कृषि का विकास होगा तो उस समय कोई ट्रैक्टर तो था नहीं, ट्रैक्टर तो था नहीं, तो थे बैल, थे बैल, थे हल का प्रयोग करते थे। अब क्या हो रहा है, कर्मकांड की वजह से, वैसे कर्मकांड की वजह बैलों का क्या किया जा रहा है, बैलों की क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आप देखोगे बैलों की क्या, इसका इम्पैक्ट कृषि कृषि पर नहीं पड़ेगा, बोलोगे बिल्कुल सर, इसका प्रभाव कृषि पर पड़ेगा, और जब प्रभाव कृषि ना कहीं हम देख देख पाएंगे, ये भी क्या करेगा, जैसे ही दूसरा धर्म आएगा जहाँ कर्मकांड पर कर्मकांड पर रोक लगाए, जहाँ हत्या पर रोक लगाए, दूसरा धर्म का इंट्रोड्यूस होगा, हत्या पर रोक होगी, तो लोग क्या करेंगे, से जल्दी हमें चाहिए आंसर देने। जैन धर्म के बारे में अगर बात कर लें, सिंपल सा, जैन धर्म की उत्पत्ति का समय 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो कल की क्लास मैंने महाजनपदास के ऊपर ली थी, महाजनपदास की क्लास में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, महाजनपदा, अगर हम बात करते हैं महाजनपद, महाजनपद का समय कार्यकाल क्या है, आप बोलोगे सर 600 जी से 400 समय कार्य समय काल है, इसी समय कहीं ना कहीं इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैन धर्म की नींव किसने रखी, तो इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे का नाम था ऋषभ देव, ऋषभ देव ने इसकी नींव रखी। इसमें कुल तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से जैन धर्म का प्रसार किसने किया, तो आप के अंतिम तीर्थंकर 24 तीर्थंकर। अगर बात आती कि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो आप बोल दोगे तीर्थंकर का अगर मतलब बात करें एक तरीके से शिक्षक, क्या देता है, नहीं अच्छा देता, ये बात हो गई, शिक्षक जो शिक्षा देता है, इस तरीके से हम चीज को आगे बढ़ेंगे। कुल कितने तीर्थंकर हुए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बोलो 24 तीर्थ। महावीर स्वामी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं,
इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है, आप बोलोगे सर इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर स्वामी स्वामी था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। वैशाली के निकट एक जगह थी, कुंडग्राम में हुआ था। इतना ठीक है? ठीक है, इतना यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा। उसके बाद ये ज्ञानात्रिक क्षत्रिय वंश के थे। उस समय एक वंश फेमस था क्षत्रिय वंश में ही। क्षत्रिय वंश में बहुत सारे वंश होते थे, जिसमें एक फेमस वंश था जिसका ज्ञानात्रिक या ज्ञानत्रिक या ज्ञानायिक, इसको वंश भी बोलते हैं, ज्ञानायिक वंश भी बोलते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानात्रिक थे। आपको याद रखना सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ये क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे। एवं उनकी माता त्रिशला जो थी, माता का नाम क्या था? त्रिशला। वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। तो मैंने आपको 16 जनपद जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताया था 16 जनपद में एक वैशाली भी था। तो वैशाली के जो राजा थे चेतक, वैशाली के राजा कौन थे? चेतक। उनकी बहन थी कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला इनकी माता थी। तो अगर बात करूं मैं कि महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के पिता कौन थे, तो आप बोल दो सर पिता इनके सिद्धार्थ थे। थे माता का नाम अगर मैं बात करूं तो माता क्लियर है। माता का नाम इनकी तो कौन थी? चेतक की बहन। चेतक कौन थे अब बोल दोगे? वैशाली। क्या इतना कोई डाउट नहीं? की पत्नी का नाम यशोदा था एवं एक बेटी जिसका नाम। इसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो वहां हम देखेंगे उनका एक बेटा था जिसका राहुल था। फिलहाल यहाँ हम समझते हैं कि बेटी का नाम क्या था? अनुजा था। अनुजा इनकी बेटी था। 30 साल की एज में इन्होंने घर त्याग कर दिया। 30 साल की एज, 12 साल घूमने के बाद। अगर मैं बात करूं 30 वर्ष की उन्होंने त्याग किया। फिर 12 साल भटकते हैं, 12 साल भटकने, भटकना का मतलब घूमना होता है। देखो भटकना तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैवल, कैवल का मतलब क्या होता है? कैवल का मतलब होता है कि सुख दुख पर विजय। कैवल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप बोलोगे सुख पर। क्या कैवल्य की ने पहला उपदेश पावा में दिया था, 468 ईसा पूर्व में, बिहार के पावापुरी में। तो पावा में ही दिया था, और बिहार के पावापुरी में इनका 72 वर्ष की उम्र में हो गए। महावीर स्वामी के बारे में इतना याद रखना है कि अब इनका कब जन्म हुआ था इनका। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। आपको याद रखना बेटी का नाम इनका अनुजा था। 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। ऐसे आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ोगे कि 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था, और 35 वर्ष की उम्र कैवल्य की प्राप्ति या अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बिहार के बोध गया, याद रखना। आगे बढ़े, आगे थोड़ा बढ़ने के क्रम में हम समझेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस आपका। मैं आपको बता, पहला याद रखना ऋषभनाथ। ऋषभ देव भी बोलते हैं, हम आदिनाथ भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है लॉर्ड बुल या लॉर्ड फर्स्ट। चिन्ह कौन सा ये यूज करते थे? सांड। ठीक है, ये आपको एक तो याद रखना है। चाल आपका मन है, आप सभी देख सकते हो, बट आपको जो याद रखना है लॉर्ड बुल या फर्स्ट क्लास। चिन्ह कौन सा? सांड। आपका याद रखना है आपको सांड है। उसके बाद आपको याद रखना है पार्श्वनाथ के बारे में, इनका चिन्ह क्या था? भगवान नाथ। वो अर्थ इनका था भगवान नाथ। चिन्ह क्या था? सर्प। चिन्ह इनका सांप था। चिन्ह का जो यूज कर साइन का यूज करते वो सांप था, इसका अर्थ था भगवान नाथ। और वर्धमान महावीर चिन्ह शेर था, जिसका नाम, इसका अर्थ था समृद्ध नायक, समृद्ध महान। ये आपको याद रखना है। और इसमें वो जैन धर्म का प्रसार की बात करें, इस धर्म को महिला और पुरुष दोनों ने अपनाया। अगर मैं जैन धर्म में जो मठ होते थे, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वहाँ कोई एक नहीं, वहाँ महिलाओं को भी इक्वल महिलाएं भी जा सकती थी और वहाँ पुरुष भी जा सकते, मतलब महिलाओं को भी जाने का अधिकार था, वहाँ पुरुष को भी जाने का अधिकार था। कोई ऐसा नहीं था। आगे आप देखोगे
और मैं आपको ये बता दूं कि वहां अलाव जो था, महिलाएं व्हाइट साड़ी पहनेंगी और पुरुष नग्न रहे। जैन धर्म में क्या था, महिलाएं व्हाइट साड़ी पहनेंगी और पुरुष नग्न रहेंगे, नग्न अवस्था में रहेंगे। नग्न अवस्था में रहने का मतलब क्या था, नग्न अवस्था में रहने का जो मतलब था कि क्यों नग्न अवस्था में रहते थे। जैसे आज भी हम देखें तो नागा हमारे जो साधु होते हैं नग्न अवस्था में रहते, उसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि आप अपने आप को संयम, काम भोसना है, काम वासना है, उसको आप संयम में रख सकें, आपके अंदर सेक्सुअल विचार ना आए। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने आप को नंग रखो ताकि आप अपने पार्ट्स पर काबू, अपने आप खुद पर आप संयमित रह सकें, अपने आप पर आप काबू पा सकें। जैन धर्म धीरे धीरे पश्चिम से दक्षिण की तरफ फैला, दक्षिण क्या करेगा, दक्षिण की तरफ फैलेगा। पहले सबसे पहले इसका विस्तार, अगर मैं मैप की बात करूं, अगर मैं भारत का मैप देखूं, पहले इसका विस्तार सबसे पहले यहाँ होगा, यहाँ धीरे धीरे मैंने बोला महाजनपद जो थे तो यहाँ इसका विस्तार होगा, यहाँ विस्तार होने के साथ साथ इसका विस्तार दक्षिण में कर्नाटक की तरफ, आगे अभी समझे में कर्नाटक की तरफ किस तरीके से, ये कर्नाटक की तरफ मूव ऑन करेंगे वो हम आगे समझेंगे। जैन धर्म का प्रसार प्राकृत भाषा में हुआ था, बौद्ध धर्म का पाली में हुआ था। अब ये भी एक कारण रहा था इसके धर्म का फेमस होने का, क्यों कारण रहा था, क्योंकि इसका जो प्रचार था प्राकृत भाषा में था। उस समय संस्कृत भाषा थी, प्राकृत थी, पाली थी, तो संस्कृत भाषा वैदिक के समय थी जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता था, आम जन के लिए समझना मुश्किल था। इसीलिए जैन धर्म में क्या हुआ, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। अब जब प्राकृत भाषा का प्रयोग होगा तो क्या होगा, प्राकृत भाषा में लोग चीजों को अच्छे तरीके से और ठीक तरीके से समझ। महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में एक भीषण अकाल पड़ा, मगध में भीषण अकाल पड़ता है 12 वर्षों तक, कब पड़ता है 12 वर्षों तक। इसके कारण कुछ जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। अब यहाँ क्या होता है, कुछ यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ये, कि आप थोड़ा सा समझ। जब यहाँ जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती, किस महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष इनका मेन जो ये जैन धर्म थे का जो मेन स्थान था मगध ही था, मगध में एक अकाल पड़ता है। और अकाल छोटा मोटा नहीं था, पूरा 12 वर्षों तब, तो 12 वर्षों तक अकाल रहेगा तो क्या होगा, कुछ जो होंगे कौन से, कुछ जो जैन होंगे वो क्या करेंगे, भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु एक उस पर्सन थे, भद्रबाहु तो क्या करेंगे, दक्षिण की तरफ चले जाएंगे। और कुछ जो होंगे वो स्थूल बाहु के नेतृत्व, इसके स्थूल मगध में ही रहेंगे, कहाँ मगध, कुछ क्या करेंगे, भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ, दक्षिण की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, दक्षिण की तरफ। कुछ जो है स्थूल बाहु के नेतृत्व में कहाँ, वहीं रहेंगे, मगध में ही रहेंगे। जब स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब अकाल खत्म हो, क्या हो अकाल की समाप्ति, जब ये क्या करेंगे, जब ये लोग जो थे ये फिर से मूव ऑन करेंगे कहाँ, मगध की तरफ। जब मगध की तरफ मूव ऑन करेंगे तो ये उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस, ऐसे चेंजेस, महावीर स्वामी ने बोला था कि आप लोग कैसे रहोगे, आप लोग नग्न रहोगे,
लेकिन ये लोग श्वेत वस्त्र शुरू कर देंगे। कैसे? श्वेत वस्त्र धारण शुरू करेंगे। श्वेत वस्त्र तो धारण करेंगे ही, इसके साथ साथ ये लोग भोग विलास वाली जिंदगी। तात्पर्य क्या है? भोग विलास से मतलब है, महावीर स्वामी ने कहा था बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं, तो ये लोग प्रिपेयर भोजन करना। तो स्थूल बाहु और भद्र बाहु में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसकी वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या करेगा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी क्या होगा, अभी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो जो जैन धर्म है, क्या होगा, जो आपका जैन धर्म है, दो भागों में बट जाएगा। एक भाग कहलाएगा श्वेतांबर, श्वे ये कहलाएगा श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जो मगध में ही रहेंगे, और दिगंबर जो कि वस्त्र धारण। इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, रहना है, आपको रटना नहीं होता, पढ़ना है। रह गया जैन धर्म के पंच महाव्रत, अहिंसा, पता है लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तब किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ का मार्ग बेकार होता है। स्वामी के जो पांच व्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अभी सब समझेंगे। तो सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है अस्तेय या चोरी ना करना, अचौर्य बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? अस्ते या चोरी ना करना, इसको अचौरी बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हम किसी की कोई चीज चुराएंगे नहीं। अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, इसका मतलब क्या? अपरिग्रह मतलब हम घर से बाहर रहेंगे, सन्यासी वाला जीवन जिएंगे और हमें किसी अटैचमेंट नहीं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो है चार पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य था महावीर स्वामी ने जोड़ा। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? आप बोल दोगे सर महावीर स्वामी। किसके द्वारा जोड़ा गया? स्वामी द्वारा, ठीक है। ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। अपरिग्रह आपको याद रखना है कि हमें किसी से अटैचमेंट, पांच व्रत थे वो आपको याद रखने। त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान मतलब समान रूप से ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन जो आपके दर्शन है, जो जीने का तरीका है वो ठीक तरीके से होना। ये चरित्र, सम्यक चरित्र मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है वो आपकी ठीक होना चाहिए, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज्ञान आपको अच्छा होना चाहिए, आपको ठीक तरीके से बोलना चाहिए। ये सारी बातें हैं इनके त्रिरत्न में। बहुत सारा नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है कौन कौन सी। जैन लिटरेचर दो थे, आगम साहित्य, गैर आगम साहित्य। वो आगम साहित्य आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैन को हमने दो, जैन के दो दो मुख रहे हैं धर्म, एक साहित्य, एक आगम हो गया, एक गैर आगम हो गया। आगम जो इनके भिक्षु, जो इनका एक भिक्षु था, भिक्षु ने लिखा था इनका, वो आगम साहित्य हो गया। और गैर आगम साहित्य जो वहाँ के जो आगम साहित्य जो शिष्य थे वहाँ का, उनका एक मुख्य शिष्य था, उसने लिखा था आगम साहित्य। और गैर आगम साहित्य जो भिक्षु वहाँ रहते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो इतना हमने यहाँ तक आते आते हमने जैन धर्म को ठीक से पढ़ लिया। हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी बौद्ध धर्म की होगी, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, बस जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।